हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक और न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ। आज के इस गेम प्ले में आप लोगों को बहुत ज़्यादा मजा आएगा। मतलब यह गेम प्ले बहुत ही बढ़िया क्लचेस किया है, लेकिन इस गेम प्ले में एक प्रॉब्लम हो जाता है जो कि मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं इस गेम प्ले के बारे में। तो हम लोग जंप करते हैं नोवो में, और यहाँ पे बहुत सारे बंदे जंप करते हैं। तो चलिए आज मैं एक चैलेंज करता हूँ कि अगर नोवो से निकलने टाइम मेरा मिनिमम 10 किल हो जाएगा तो आप लोग को इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ऑन करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हम जंप करते हैं इस जगह पे, और यहाँ पे बहुत सारे बंदे जंप करते हैं। तो चलो थोड़ा लूट करते हैं और फिर बंदों पे रश करते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे जंप करता तो मुझे यहाँ पे एके मिल जाता है। तो मैं पीछे एक बंदा को नॉक करता हूँ, फिर सामने एक बंदा को नॉक करता हूँ, और तीसरा बंदे के पास स्कारल होता है, लेकिन मैं इस बंदा को नॉक करके कंफर्म कर देता हूँ। अब यहाँ पे कैसे मैंने दो बंदा को और नॉक किया था। अब एक के मेरा टीममेट कंफर्म कर देता है तो मैं आगे आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक और बंदा को नॉक किया था। अब यहाँ पे कैसे तीनों बंदा नॉक हुआ था तो मुझे लगा था इसका टीममेट आसपास हो सकता है। तो मैं चेक करने के लिए जैसे यहाँ पे आता हूँ, मुझे उस बंदे का किल भी मिल जाता है, और तभी घरों के साइड से कुछ फायरिंग का आवाज आता है। तो यहाँ मैं थोड़ा एमो उठाता हूँ और चलो अब बंदों पर रस करेंगे। इस तरफ तो जाना पड़ेगा ना, जल्दी हो रहा सामने ऊपर कंटेनर के ऊपर बंदा। अब यहाँ पे मैं चाहता घरों के साइड बंदे चेक करने के लिए, तभी ये वाला बंदा स्पॉट हो आता है जिसको मैं नॉक कर देता हूँ। और अभी गाइस यहाँ पे बहुत सारे स्क्वाड बाकी है, तो पहले इस बंदे पे रस करते हैं। अब यहाँ से मैं M4 उठाया था क्योंकि मेरे पास 7 एमो नहीं था, और तभी ये वाला बंदा स्पॉट होता जो कि यहाँ से पीछे भाग रहा था। तो शायद इसका टीममेट वहाँ पे हो सकता है, तो हम लोग अभी इसको कंफर्म नहीं करते, हम लोग भी राइट साइड से फ्लैंक करते हैं। वहाँ पर है क्या? तभी यहाँ पे दो बंदे स्पॉट होते हैं, तो मैं दोनों बंदे को नॉक कर देता हूँ और एक बंदे को कंफर्म कर देता हूँ। अब यहाँ पे भाई ये तीनों बंदा नॉक हुआ था, तो हम लोग लगा था इसका और बंदा आसपास हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे चेक करने के लिए आते हैं, और उसका जो मैंने पहला बंदा को नॉक किया था उसका किल मुझे नहीं मिला था। लेकिन उसका टीममेट यहाँ पे नहीं होता, तो मैं तीनों बंदा को मार के सामने जाता हूँ। और जैसे हम लोग ये कंटेनर के पास पहुंचते हैं, तभी देखना भाई यहाँ पे क्या सीन होता है। नॉक किया ना, और तभी भाई सामने से वो बंदा मेरे टीममेट को नॉक कर देता है, और मैं उस बंदा को नॉक कर देता हूँ। अब यहाँ पे भाई वो बंदा नॉक हुआ था, इसका मतलब उसका टीममेट आसपास हो सकता है। तो सबसे पहले मैं अपने टीममेट को रिवाइव देता हूँ, और अब राइट से इस बंदे पे रश करेंगे। ऊपर आए बंदे, अब वहां से निकल कर मैं इस जगह पे आता हूँ, और यहाँ पे मैं बंदा को स्पॉट करने का ट्राई करता हूँ। तभी यहाँ पे कैसे एक दो बंदा दिखता है जिसको मैं डैमेज देता हूँ, लेकिन बंदा नॉक नहीं होता है। Nice. और फिर यहाँ मैं एक बंदा को नॉक कर देता हूँ, तो यहाँ पे हील करता हूँ, और अब चलो ये बंदों पे रस करेंगे। लास्ट बंदा, और भाई यहाँ पे पूरा का पूरा स्कोर था, तो मैं चारों बंदा को मार देता हूँ। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये वाला क्लच पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लो। और वैसे भी गाइस यहाँ पे आप लोग मेरा किल देख सकते हो, 10 किल्स कंप्लीट हो चुका है। तो जो मैं चैलेंज था कि अगर मैं नोवो में 10 किल्स करूंगा तो आप लोग को लाइक सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो जल्दी से कर दो।
तो यहाँ पे गाइस नोवो में अब सारा स्क्वाड खाली हो चुका था, तो हम लोग यहाँ से निकलने वाले होते हैं। अब यहाँ पे गाइस हम लोग गाड़ी लेने वाले हैं, तभी यहाँ पे ये बॉट भैया आते हैं, तो इसको मैं मार के यहाँ से निकलता हूँ। अब वहां से निकल के जैसे हम लोग इस जगह पे आते हैं, तभी सामने ये बंदा दिख जाता है। अब यहाँ मैं फायर देता हूँ, लेकिन ये बंदा बच जाता है। भागना जाए गाड़ी देखे, तो गाड़ी है। अब यहाँ मैं गलती कर देता हूँ, मतलब मैं बीच में गन चेंज करता हूँ, तभी ये बंदा मुझे निकल के नॉक कर देता है, और मैं इस बंदा को डैमेज दे दिया था, तो अनिस इस बंदा को नॉक कर दिया था। अब ये बंदा भाई वहाँ पे जा रहा था, और वहाँ से कुछ फायरिंग का आवाज भी आया था, मतलब उसका टीममेट उस घरों के साइड है। तो यहाँ मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे स्पॉट करने का, अगर कोई पिक लेगा तो मैं उसे नॉक कर दूंगा। गाड़ी और तभी गाइस यहाँ पे एक और गाड़ी आ जाता है, जो कि यहाँ पे गाइस वो कंपाउंड में रुक जाता है। तो हम लोग डायरेक्ट रश कर देते हैं, लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या सीन होता है। और एक टीम है ऊपर घर कट। उधर दो नॉक है। अबे पीछे पीछे अब यहाँ पे कैसे हम रस करते, तो यहाँ पे दो टीम होता है, जिसमें से मैं पहले दो बंदा को मार के एक टीम को मार देता हूँ, और तभी यहाँ पे एक और बंदा को नॉक करके जैसे आगे जाता हूँ, तभी राइट से मुझे कोई और बंदा नॉक कर देता है। लूट। अब जो बंदे मुझे नॉक किए थे वो अलग स्क्वाड था, मतलब वो लोग सेल्टर से मुझे नॉक कर रहे थे। तो यहाँ पे कैसे मेरा एक किल भी चोरी हो चुका था, तो मैं लूट करता हूँ, और अब वो बंदों पर रस करेंगे। बोला लेटा हुआ साला, फायर आएगा। माने अब जैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो ये वाला बंदा स्पॉट होता है, तो इसमें हम लोग रश करते हैं, लेकिन भाई ये बंदा बहुत ही बढ़िया खेल रहा था, मेरे टीममेट को नॉक कर देता है। और तभी का यहाँ पे उधर साइड से फायरिंग का आवाज आ रहा था, मतलब सामने जो कंपाउंड है वहां से भी कोई और बंदे फायर कर रहे थे, तो शायद ये बंदे का टीममेट हो सकता है। तो यहाँ मैं टीममेट को रिवाइव देता हूँ, और अब वो बंदे को देखते हैं। जो यहाँ पर थोड़ा सा एक गैप है, रीच है, गाय लेके आ जाए। और जैसे मैं आगे देखता हूँ, तभी मुझे ये वाला बंदा स्पॉट होता है, जो कि भाई अकेला था, और यही बंदा तब से फायर कर रहा था, तो इसको मैं मार देता हूँ, और यहाँ से मैं निकलता हूँ। अब वहां से निकलने के बाद हम लोग ये कंपाउंड में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ बंदे फ्लेयर फायर किए थे, और यहाँ पे भाई आप लोग देखना क्या सीन होता है। इधर ही है ना, मैं सोच रहा हूँ। अब यहाँ मैं गाड़ी घुमा तो चेक करने के लिए, तभी का सामने वाला घर से कुछ बंदे का फुटस्टेप आ जाता है, मतलब वहां पे बंदा है, तो यहाँ मैं गाड़ी रोकता हूँ। इस वाला घर पे गया। चल पिंक ड्रेस वाला बोल रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे गाइस मुझे दो बंदा स्पॉट होता है, जो कि भाई मैं डैमेज देता हूँ, बंदा नॉक नहीं होता है। तो फिर यहाँ मैं एक ग्रेनेड ट्राई करता हूँ। और तभी यहाँ पे एक और गाड़ी आ जाता है। अब यहाँ पे गाइस पहले दो बंदा था, और तभी यहाँ पे एक गाड़ी आया, तो मुझे भी लगता है कि यहाँ पे एक टीम पूरा हो चुका है। और एक गाड़ी आ गया, पूरा टीम आ गया यहाँ पर। पीछे फॉलबैक करना पड़ेगा हमको, आई थिंक सो।
और तभी गाइस यहाँ पे एक और गाड़ी आ जाता है, मतलब यहाँ पे गाइस फ्लेयर फायर हुआ था इसलिए गाइस यहाँ पे बहुत सारे बंदे आ रहे थे। तो यहाँ पे गाइस हम लोग कंफ्यूज हो गए थे, मतलब कितने बंदे कहाँ पे है, तो हम लोग पीछे जाते हैं और बग्गी लेके थोड़ा फॉल बैक करते हैं। और तभी भाई एक बंदा हम लोग पे फायर करता है, तो यहाँ पे हम लोग बग्गी लेते हैं और थोड़ा दूर जाके इस रिज के पास रोकते हैं। बल्ले लूट के दिखाई टॉप मदद तो कर सके। सुना सुना इनके पीछे जाके रोकते हैं, फायर आ गया। चल अब यहाँ पे हम लोग कुछ देर वेट करते हैं, तभी ये स्क्वाड आपस में फाइट कर लेता है, तो हम लोग डायरेक्ट रश कर देते हैं। इधर रुकूंगा, सीधा सीधा घर में। और यहाँ पे गाइस आने के साथ में दो बंदा को नॉक कर दिया था और कंफर्म भी कर दिया था, तो यहाँ मेरा 18 किल हो चुका था और यहाँ पे और बंदे थे। इसी के बाद भाई मेरा जो रिकॉर्डिंग होता है वो ऑफ हुआ था और मैं ध्यान नहीं दे पाता, मतलब गाइस इसके बाद मेरा रिकॉर्ड नहीं होता है। तो उस गेम में गाइस मैं बहुत ही बढ़िया खेलता हूँ, मतलब मेरा 23 किल्स होता है, वहाँ पे गाइस मेरा 18 किल हो चुका था। फिर वहाँ से हम लोग क्लच करते हैं, वहाँ से निकलते हैं और भाई वहाँ पे उस मैच में चिकन करता हूँ, 23 किल्स निकालता हूँ और मेरा टीममेट का भाई उस मैच में 8 किल होता है, मतलब 31 किल्स हम लोग इस गेम में करते हैं। लेकिन भाई मेरा फ़ोन का क्या प्रॉब्लम था मुझे नहीं पता, मतलब रिकॉर्ड होता ही नहीं है, यहीं तक रिकॉर्ड होता है, तो यही का प्रॉब्लम हुआ था, मतलब भाई क्या ही कर सकते हैं। सो गाइस अगर आप लोगों को ये गेम प्ले वीडियो में कुछ भी पसंद आया, कोई भी क्लच पसंद आया तो लाइक करना। डेली गेम प्ले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ऑन कर लेना और अपने दोस्तों लोगों को ये गेम प्ले वीडियो शेयर करना। तो मिलते हैं अगले गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।